front of you with a new topic of 12th accountancy. The topic name is practical of current ratio as well as liquid ratio. जी हाँ, आज हम करने वाले हैं current ratio के साथ liquid ratio को. जी हाँ, कैसे करेंगे current ratio के साथ liquid ratio को? पहले find out करेंगे हम current ratio. Current ratio का जो formula हमें computation के लिए दिया गया है वो है current assets upon current liability. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करंट एसेट निकालनी होती है. शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सी ए, करंट एसेट्स. कैसे फाइंड आउट कहते हैं सी करंट एसेट्स? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन ईयर. जो एक साल में जो जो आइटम कैश में कन्वर्ट होने में सक्षम है, जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उसी को करंट एसेट का नाम दिया जाता है. अगर मैं पढ़ूँ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है. मार्केटेबल सिक्योरिटी, जी हाँ, मार्केटेबल सिक्योरिटी वो है जो मार्केट में थोड़े समय के लिए खरीद कर रखी गई है और मार्केट में रेट चढ़ते उतरते बेच दी जाएंगे. जी हाँ, ये हमारी करंट एसेट है. कौन सी? मार्केटेबल सिक्योरिटी. जी हाँ, मार्केटेबल सिक्योरिटी की अमाउंट है 40,000. बच्चों, सेकेंड हम लेने वाले हैं टेंजिबल एसेट लॉन्ग टर्म है, इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल लॉन्ग टर्म है. ट्रेड रिसीवेबल, जी हाँ, ट्रेड रिसीवेबल, नेट ट्रेड रिसीवेबल, जो आपका इस ट्रेड रिसीवेबल में लिखा है हमने 200,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने डूब सकते हैं 20,000 के, तो नेट कितने बचते हैं 180 के. नेट ट्रेड रिसीवेबल, बेटा आप जानते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स और BR होते हैं, इसीलिए करंट एसेट है. डेटर से भी वसूली एक साल के अंदर हो सकती है, BR से भी पैसा एक साल के अंदर आ सकता है. ये रकम हमारे पास है 180,000. जी हाँ बच्चों, और एक करंट एसेट हमें मिली मार्केटेबल सिक्योरिटी, दूसरी करंट एसेट हमें मिली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तीसरी है हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस. जी हाँ, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस. बच्चों कैश एंड बैंक बैलेंस की जो आइटम है वो हमारे पास 80,000 है. जी हाँ, इसके बाद और है ट्रेड पेबल, रेंट पेबल, डिविडेंड, इन्वेंट्री. इन्वेंट्री इन्वेंट्री भी जो है हमारी करंट एसेट है. ये इन्वेंट्री है स्टॉक, तो स्टॉक को बेचा जा सकता है. इसकी अमाउंट है 3,90,000. ये जितनी भी मैंने ढूंढी है ये सब करंट एसेट है. मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केट में जो सिक्योरिटी है जिसे बेचा जा सकता है, शेयर बॉन्ड्स एक्सेट्रा. जी हाँ, नेट ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश एंड बैंक बैलेंस और इन्वेंट्रीज. और आगे चलते हैं इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म. इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, बेटा इनकम टैक्स पेड इन एडवांस का मतलब है प्रीपेड टैक्स, प्रीपेड टैक्स और इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, एक ही बात है. इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, जो टैक्स एडवांस में पे कर दिया गया वो प्रीपेड टैक्स है बेटा. और प्रीपेड आपको पता है करंट एसेट होती है. प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रीपेड टैक्स और करंट एसेट कितना गया है प्रीपेड का आपका 30,000. बेटा इसे टोटल करना है और हमारे पास आ जाएगी करंट एसेट्स. जी हाँ, ये करंट एसेट्स आ गई है. टोटल करते हैं करंट एसेट का 220,80,390,690,690,720. अर्थात मुझे लगता है इसका टोटल जो है 720,000 रुपये है. ठीक है बेटा, इसका टोटल कितना है 720,000 रुपये. आगे हम चलते हैं करंट लाइबिलिटी की तरफ. करंट लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी विच वी हैव टू पे विद इन वन ईयर, जिसे हमें एक अकाउंटिंग ईयर में एक साल में दे देनी है, वो हमारी करंट लाइबिलिटी है. ढूंढते हैं कौन सी करंट लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी की बात करें तो ट्रेड पेएबल. जी हाँ बच्चों, इनमें से ढूंढना पड़ता है. ट्रेड पेएबल में हम लोग शामिल करते हैं क्रेडिटर्स को और बीपी की रकम को. जी हाँ, क्रेडिटर्स और बीपी ट्रेड पेएबल का हिस्सा है, जो है 1,20,000. आगे हमें आता है रेंट पेएबल, जो रेंट देना है. बेटा जो पेएबल चीज होती है हमारी करंट लाइबिलिटी होती है. ट्रेड पेएबल, रेंट पेएबल, रेंट कितना है 10,000. जी हाँ बच्चों, इसके बाद आएगा डिविडेंड पेड पेएबल, डिविडेंड भी देना है. डिविडेंड पेएबल, ठीक है बेटा. इसके बाद एक आइटम होती है शायद बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट. बेटा इस तरह ये हमारी जो करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेएबल यानी क्रेडिटर और बीपी, रेंट पेएबल, डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड लाभों के ऊपर जो लाभांश दिया जाता है उसे डिविडेंड पेएबल बोलते हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट जो शॉर्ट टर्म का हमने कर्ज लिया है, जो मंथ और टू मंथ में या थ्री मंथ में हमें
देना होगा। अब हम लिखते हैं कितना है डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल है 30,000, 30,000। इस तरह हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन के रूप में है, यहाँ है ओवरड्राफ्ट हमारे पास है 25,000 का, और एक हमारी करंट लाइबिलिटी रहती है प्रोविजन फॉर टैक्स की, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स जो है हमारे पास है 55,000 का बच्चों। अब हमें इसका टोटल करना होगा क्योंकि सभी करंट लाइबिलिटी हम ले चुके हैं। आप कहेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी कैसे है, बेटा साल के अंदर जो है हमें जो है प्रोविजन फॉर टैक्स यानी कि टैक्स का अमाउंट जो है जोड़ करके 12वें मंथ के अंदर जो है वो देना होता है, साल भर में टैक्स की पेमेंट करनी होती है। अब हम करंट लाइबिलिटी की बात करें तो करंट लाइबिलिटी जोड़ने पर 130, 160, 185, 190 एंड 240 बेटा ये आ रहा है आपका 240,000 के आसपास। अब हम निकालेंगे करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट है हमारे पास 7,20,000 की, करंट लाइबिलिटी है हमारे पास 2,40,000 की। बेटा सीधा सीधा काटा जा रहा है ये कितने पे, 24:3:72, 3:1, ये है 3:1। आइडियल रेशियो से कहीं अबव है, आइडियल रेशियो हमारा 2:1 है, ये आइडियल रेशियो से ज्यादा है 3:1, इसीलिए हमारा करंट रेशो ये बताता है कि फर्म की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी है। अब चलते हैं हम लिक्विड रेशो की तरफ। लिक्विड रेशो में हमारे पास होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जी हाँ, कैसे फाइंड आउट करते हैं क्विक एसेट्स? क्विक एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स में से आपको इन्वेंट्री को माइनस करना है प्रीपेड टैक्स। जी हाँ, जो टैक्स आपने एडवांस दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी प्रीपेड चीज होती है वो माइनस होती है। करंट एसेट्स आपके पास है 7,20,000 की, इसमें से आप इन्वेंट्री माइनस करेंगे, इन्वेंट्री कितनी है आपकी 3,90,000 की, क्योंकि इन्वेंट्री क्विक एसेट नहीं है जिसे फर्म बेचकर कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए, और प्रीपेड आपका टैक्स जो है वो है 30,000 का। ठीक है, इस तरह बेटा आपके पास 7,20,000 जो है क्विक एसेट्स में से निकालने के लिए आपको 420 माइनस करना है। अगर आप 4,20,000 माइनस करते हैं तो आपके पास बचेगा सिर्फ 3,00,000, आपकी क्विक एसेट्स बचेंगी 3,00,000 की बेटा। और अब क्योंकि करंट लाइबिलिटी आपको ऊपर गिवन है वो आपकी सेम है 2,40,000, आप लिक्विड रेशो निकाल सकते हैं। क्विक एसेट आई है आपकी 3,00,000, करंट लाइबिलिटी आपकी है 2,40,000, ये 1 से अबव आ रही है बेटा, आई थिंक ये आ रही है आपकी 10/8, 1.25:1, यानी कि 1.25:1, ये भी बेटा 1:1 होनी चाहिए, ये भी आइडल से ज्यादा है। करंट रेशो भी आइडल से ज्यादा है, लिक्विड रेशो भी आइडल से ज्यादा है, इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि फर्म की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, फर्म इतनी केपेबल है कि अपनी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को आसानी से पे कर सकती है। थैंक यू।